नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय स्टेट बैंक शाखा जीटी रोड भोगांव के एटीएम से 2000 के कटे फटे व रंग लगे नोट निकलने के साथ साथ नकली नोट निकलने पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते एक के बाद एक कटे फटे व रंग लगे 2000 के नोट निकलने के बाद जब नकली नोट निकला तो एटीएम में भीड़ जमा हो गई। नकली कटे फटे रंग लगे नोट निकलने की सूचना बैंक मैनेजर को दी गई। बैंक मैनेजर ने तत्काल लोगों के नोट बदलवाए, तब जाकर मामला शांत हुआ। बताते चलें कि मैनपुरी के कस्बा भोगांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा जीटी रोड भोगांव के स्टेट बैंक के एटीएम पर उस समय हड़कंप मच गया जब दीपावली के त्यौहार को लेकर एटीएम से रुपए निकालने आए लोगों को एटीएम मशीन से 2000 के कटे फटे रंग लगे व नकली नोट निकले, जिसकी शिकायत जब खाताधारकों ने बैंक मैनेजर से जाकर की तो उन्होंने पहले तो नोट बदलने से इनकार कर दिया, लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद कैशियर राम सिंह को बुलाकर एटीएम से निकलने वाले 2000 के नोटों के बारे में जानकारी की, जिस पर कैशियर राम सिंह ने बताया कि 2000 के नोटों की खराब गड्डी एटीएम में लग गई थी, जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई। बैंक मैनेजर ने सभी लोगों के नोटों को बदलने के निर्देश दिए, तब जाकर कहीं लोगों ने अपने नोट बदले। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इंस्पेक्टर भोगांव एसएसपी लवान ने तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स को भेज दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। इस संबंध में जब मैनेजर ए के चतुर्वेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज कटे फटे और रंग लगे नोटों को बदलवा दिया गया है। नकली नोट निकलने का मामला पहली बार आया है। राम शरण सिंह नाम के व्यक्ति ने 30,000 रुपये एटीएम से निकाले, उसमें एक नकली नोट भी निकला, जिसके लिए पीड़ित से एक प्रार्थना पत्र लिखवाकर नोट बदलने की प्रक्रिया के तहत समस्या का समाधान कराया जा रहा है। वहीं नोट बदलने पर लोगों ने मीडिया को धन्यवाद दिया। कितने नोट निकाले अभी आपने? 10,000। कितने नोट खराब निकले? 3। क्या सभी लोगों को ऐसे ही निकल रहे हैं? सभी लोगों को ऐसे ही निकल रहे हैं। राम शरण सिंह। कितने रुपए निकाले, क्या मामला है? 30,000 रुपए। क्या हुआ? एक नकली नोट है और बाकी सब खड़े। तो मैनेजर से बात की? करी है जी। क्या कहा उन्होंने? ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी है कैशियर की। साफ इनकार कर दिया उन्होंने। क्या नाम आपका? अच्छा, क्या ये मामला है, नोट गड़बड़ निकल रहे हैं, क्या है? क्या मालूम है क्या मामला है? आपने कितने पैसे निकाले थे? हमने 5,000। कितने नोट खराब निकले आपके? दोनों ही खराब है, एक इस पे टेप लगा हुआ है, फटा हुआ है ये भी, और इस पे ये दाग लगा हुआ है। क्या नाम तुम्हारा? अनुज कुमार। अच्छा, ये नोट जो फटे नकली निकल रहे हैं, आप जब मैनेजर साहब से मिले जाके? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं, आप कैशियर राम सिंह से मिली हो। जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा हम नकली नोट इसमें रखते ही नहीं, और जब नोट मैंने निकाले तो यहाँ वीडियो भी बनाई है, कटे फटे और जो इसमें एक नकली नोट निकला वो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। अच्छा, क्या मामला है ये? सर जी, यही एटीएम से निकाल रहे थे, 4 नोट खराब है, बाकी एक ठीक है। क्या आपने चेंज करने की बात की? अभी तो बैंक चल रहा है साबुन का। क्या सभी लोगों के ऐसे ही निकल रहे हैं? बिल्कुल। कितने लोगों के यहाँ ऐसे नोट निकले? 3 लोगों ने अभी निकाले, 3-4 लोगों ने, सबके सारे ऐसे ही निकल रहे हैं। क्या नकली नोट भी निकल रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम तुम्हारा? प्रियांशु। क्या मामला हुआ? नोट ये कहाँ से निकाले आपने? कितने रुपए निकाले? 4,500। कितने नोट खराब निकले? 2,500 सिर्फ 500 का सही निकल रहे, 2,000 के सारे बेकार निकल रहे हैं। 2,000 के सारे नोट खराब निकल रहे हैं। हाँ। आपने जो है मैनेजर से बात की जाके? नहीं, अभी नहीं। क्या नाम आपका? आप यहाँ गार्ड हैं? अच्छा, ये एटीएम पे ये खराब नोट और नकली नोट निकलने का क्या मामला है? खराब नोट बैंक में, खराब नोट पीछे बैंक में, देखो बैंक में नोट चेंज होंगे। सर अभी लंच चल रहा है, सर के पास गए थे, उन्होंने बोला लंच के बाद आना। सर, आज आपके एटीएम से कुछ लोग जो है पैसे निकालने आए थे, जिसमें 2,000 के कुछ कटे फटे नोट, कुछ रंगीन नोट निकले हैं जिन पे कलर लगा हुआ है, और एक नोट कोई नकली बताया जा रहा है, क्या है सर ये पूरा मामला? 2,000 के कुछ नोट पुराने थे जो कि संभवतः एटीएम से निकले हैं, और उनको जो भी व्यक्ति आया उनके बदल दिए गए। सर, जो नोट नकली प्रतीत हो रहा है उसके लिए क्या हुआ? सर, नकली के लिए जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, एप्लीकेशन फिलहाल उनसे लिखवा के ले रहे हैं।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।